हम आए हमारे दूसरे स्पॉट पे और आप ही देखिए। नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आणि मजेतच रहा। वेलकम बॅक टू ओमी व्हॉट नेक्स्ट। सो गाईज, लास्ट व्लॉग बहुत सुना शांत, ऐसा थोड़ा अपसेट लो फीलिंग वाला था। दमदार शुरुआत करके ओमी फिर से आ गया है आप सबको खुश करने के लिए और कोकन दिखाने के लिए। सो एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं शिवानी वाइनी के घर पे। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। क्यों इनवाइट किया है, क्या वो आप खुद ही देख लो। सो गाइज, इट्स इवनिंग 6 और मैं अभी वापस आ गया घर पे। मैंने मम्मी, चाची, भैया, दादा सबको घर पे छोड़ा और अभी मैं अजय को लेके जा रहा हूँ भादगांव ब्रिज पे। इफ़ यू रिमेम्बर, मेरे पोमेंटी वाले व्लॉग में मैंने भादगांव ब्रिज के बारे में बताया था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं भादगांव ब्रिज पे। सो वहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा फोटोशूट वगैरह करूँगा एंड फिर उसके बाद देखते ये व्लॉग थोड़ा कंटिन्यू करना है। लेट्स गो। हम रुके हैं हमारे पहले स्टॉप पे जो हम लोग ने पोमेंडी जाते टाइम देखा था और यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के मेरे को इतने क्रेविंग्स आ रहे थे। आप ही देख लो। अभी कलर करेक्शन के वजह से या अपर्चर के वजह से इतना परफेक्ट व्यू नहीं आ रहा है, बट फोटोज खींचते फिर देख लो इंस्टाग्राम पे omkar_desai1। सो हम आए हमारे दूसरे स्पॉट पे और आप ही देखिए। बॉस क्या ही सीन है, मतलब उस दिन तो बारिश गिर रहा था इसके वजह से हम लोग भाग दौड़ में नहीं कैप्चर कर पाए और आज मैं भाग के आया और देख सकते हो बारिश के बादल भी बहुत खतरनाक वाले आ रहे, तो फोटोज खींच लेता हूँ फटाफट। तो ये है कोकन की असली ब्यूटी एज आई ऑलवेज से। और मैंने सोचा कि गणपति बापा तो मिस हो गए, बट ये नेचुरल ब्यूटी क्यों मिस करें, बिकॉज हर बार मैं घाई घाई में एंड में आता हूँ, दो दिन बापा की पूजा करता हूँ और निकल जाता हूँ। सो इस बार थोड़ा और नेचर एक्सप्लोर करते हैं। सो अजय मुझे बता रहा था कि उसके फ्रेंड्स वहाँ पर नीचे स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। सो मैं और अजय प्लान कर रहे हैं अभी कभी वहाँ पर नीचे जाके इसको और नीचे से देखने का। सो अगर हुआ तो ज़रूर करेंगे। तो अभी भादगांव ब्रिज की तरफ लेट्स गो। आ गए भादगांव ब्रिज पे आ गए।
फट के चार हो जाती है। सो ये है द भादगांव ब्रिज, और पता नहीं क्यों हम लोग आने के बाद भी यहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है। और अभी सीन ऐसा ना गाइस कि ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फोटोशूट लोकेशन है, बिकॉज आप देख सकते हो क्या सीन है बॉस, क्या सीन है यहाँ पे, ये कैमरा यहाँ पे, ये तो गाइज़ हम लोग का शूट अभी ख़त्म हो गया है। बारिश आ रही है, ड्रिजल हो रही थी, अभी आ चुकी है, लिटरली कैमरा भी भीग रहा है, सो इसलिए हम लोग फिर से जा रहे हैं, और अंधेरा भी हो गया, सो वी आर बिट लेट, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे फोटोज आए, बहुत मज़ा आया। सो ऐसा कुछ है ये भादगांव ब्रिज, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है पूरा रत्नागिरी, जाका देवी वगैरह, एंड ये है गुहागढ़, क्योंकि ये ब्रिज के बाद गुहागढ़ स्टार्ट होता है, चिपलुन में आ जाते हैं आप लोग। सो ऐसा ही ये ब्रिज है जो दो अलग अलग तालुकास डिवाइड करता है, इट्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुका। सो यहाँ पे है रत्नागिरी तालुका और ये है चिपलुन तालुका। सो कुछ ऐसा था ये भादगांव ब्रिज। सो इस पे तो मैं आते जाते रहूँगा, पर अभी बारिश आ रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये है नेक्स्ट डे, एंड कल रात को मैं भादगांव का मस्त घूम के फ़ोटोशूट वगैरह करके घर पर आ गया, और घर पे आते ही एक्चुअली लाइट गया था, सो इसके वजह से थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ हुआ, जिसके वजह से व्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो आज सुबह उठ के व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आज पता नहीं क्यों हल्का हल्का हेडेक हो रहा है सर में, बट ठीक है, हो जाएगा शायद, इधर नींद पूरी नहीं हुई होगी इसके वजह से ये हो रहा है। सो एक्चुअली मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला कि आई नो लास्ट व्लॉग बहुत ही थोड़ा इमोशनल, एक लो फीलिंग वाला व्लॉग था, बट कोई बात नहीं। द थिंग इज़ कि अभी ऐसा डिसीजन लिया गया है गाँव में कि जो गणपति बाप्पा है वो 31 अगस्त को स्थापना होगी उनकी, और 1 तारीख को विसर्जन होगा। तो इन शॉर्ट बाप्पा पधार रहे, बट एज आई सेड जो मेरी एक्साइटमेंट लेवल थी या खुशी थी पापा को पूरा 12 दिन गांव में मिलने का या उनके साथ ये गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का, वो किधर ना किधर ख़त्म हो गई, बट ठीक है। सो द थिंग इज़ आप सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, आप सब लोग ने इतना जो प्यार दिखाया, सब लोग ने इतनी जो केयर की मेरे लिए इस लास्ट व्लॉग के ऊपर, तो सबके लिए एक बिग 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 थैंक यू। एंड द सेकेंड थिंग कि सब लोग मेरे को बोले थे ओमकार इमोशनल मत हो, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गाइज डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। एज आई सेड सिर्फ पहले 2 दिन जो थे तभी बहुत इमोशनल हुआ था, सबके स्टोरीज पे पापा देख के, आरती देख के, मेरे को भी निढ्यावर्ती का फ्लो खींचना है। सो ये सब कुछ था जिसके वजह से मैं बहुत लो फील कर रहा था, बट अभी ओमी इज़ बैक, सो डोंट वरी, मैं एकदम ठीक हूँ। एज आई सेड से पहले 2 दिन बुरा लगा था, एंड ऐसे ही फिर से धमाकेदार और एनर्जेटिक ब्लॉग्स आते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, एंड दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड टिल देन थिंक व्हाट नेक्स्ट, सी यू अगेन, बाय गाइस। भैया कसट है सासरवाड़ी दियो तुला माला एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भैया, बचपन से आ रहा है।